सो ही गाइज, वेलकम टू गेमटेक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों मेरे पास काफ़ी टाइम से ये कमेंट आ रहा है कि कुछ ऐसा गेम लेकर आओ जो पीसी पर तो अवेलेबल है लेकिन उस गेम को हम लोग मोबाइल फ़ोन पर भी ट्राई कर सके। मतलब काफ़ी सारे बंदे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा गेम लेकर आओ जो बिल्कुल पीसी गेम की तरह ग्राफिक्स हो, मतलब जिसके अंदर पीसी गेम की तरह ग्राफिक्स हो, जो कंट्रोल्स वगैरह हो बिल्कुल पीसी गेम की तरह हो। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने बहुत ढूंढा तब जाके मेरे को ये पाँच गेम मिल चुका है, यानी ये जो पाँच गेम होने वाली है ना, इनमें से तीन चार गेम आपको 100% पसंद आने वाली है। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखना एंड गाइस सभी गेम को वॉच करना, क्योंकि दोस्तों सभी गेम बहुत ही कमाल की होने वाली है, ग्राफिक्स तगड़ा होने वाली है। एंड साथ ही साथ दोस्तों ये जो गेम है ना, ये पीसी पर भी अवेलेबल है एंड चाहो तो इस गेम को मोबाइल फोन पर भी खेल सकते हो। तो काफी कमाल की वीडियो है, सारे गेम का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाकर एक बार चेकआउट जरूर से करना। एंड गाइस ऐसे गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड पे एक बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 5 जो गेम है इसके नाम है वायरफेस ग्लोबल ऑपरेशन। बेसिकली एक एफपीएस शूटिंग गेम होने वाली है। अगर आपको एफपीएस शूटिंग गेम खेलना है तो गाइस सब लोग इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीसी लेवल के ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, आप चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आप खेल सकते हो। यहाँ पर आपको अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, 7+ लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग मैप आपको देखने को मिल जाती है, 200+ वेपन्स आपको देखने को मिल जाती है जिसको फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर भी आपको देखने को मिल जाती है, आप यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को चूज कर सकते हो एंड उसको फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड गाइस इस गेम का जो साउंड क्वालिटी है ना, मतलब जो गान का साउंड क्वालिटी है या फिर जो आप वायर के अंदर हो, इस वायर के अंदर जो जो चीज होने वाली है उसका जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छा सुनने को मिलेगा, मतलब रियलिस्टिक साउंड क्वालिटी भी आपको सुनने को मिलेगा। एंड गाइस गेम का ग्राफिक्स आप देख ही सकते हो, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि गेम का ग्राफिक्स आपको कैसा लगा। मेरे को तो यार बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इस गेम को एक बार डाउनलोड करके देखो, आपको सच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। सो गाइस बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो नंबर 4 पर जो गेम है इसके नाम है बोली एनिवर्सरी एडिशन। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता, आपको पता होगा ये रॉकस्टार गेम की तरफ से आती है। एंड गाइस रॉकस्टार गेम जो भी गेम बनाते हैं ना भाई, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर एक स्टोरी मोड होती है एंड गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर आपको काफी अच्छा अच्छा मिशन भी देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर बेसिकली आपको एक बॉय का रोल प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो स्कूल लाइफ दिखाया गया है, मतलब स्कूल एनवायरमेंट आपको देखने को मिल जाती है, जो जो चीज़ आपको करना पड़ती है स्कूल के अंदर जाके, जैसे कि क्लास करना होगा या फिर किसी का हेल्प कर सकते हो, या फिर आप स्कूल से बाहर भी जा सकते हो, या पर आपके पास एक साइकिल वगैरह होने वाली है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर इस गेम के अंदर होने वाली है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। यानी इस गेम के बारे में मेरे को ज़्यादा बोलने का है नहीं, ठीक है, सबको पता है कि इस गेम के अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, गेम का जो साइज होने वाली है 3GB गेम का साइज होने वाली है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो भाई आपको पता होगा ये जो गेम है प्ले स्टोर पर पेड है, लेकिन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाकर एक बार चेकआउट जरूर से करना। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस होने वाली है, आपको एक APK देखने को मिल जाएगा, एक OBB फाइल आपको देखने को मिल जाती है। जो APK है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जो भी फाइल है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करके जो फाइल मिलेगा उसको एंड्रॉइड OBB पर जाके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सी काम होने वाली, इसको करो एंड इस गेम को आप आराम से ट्राई कर सकते हो। सो गाइस बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो नंबर 3 पर जो गेम है इसके नाम है फेडिंग सिटी। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता, आपको पता होगा ये जो गेम है ना पीसी पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है एंड इसके अंदर जो ग्राफिक्स है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पीसी लेवल के ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है। एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम ये होने वाली है, यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर एलियंस एंड ज़ॉम्बीज आपको देखने को मिल जाती है, उसके साथ यहाँ पर आपको फाइटिंग करना होता है एंड आपको सर्वाइव करना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप अकेला हो, यहाँ पर और कोई बंदा है नहीं आपके पास, तो आपको सब कुछ करना है, मतलब आपको जो फूड वगैरह वो कलेक्ट करना होती है, जो रिसोर्सेस होती है उसको कलेक्ट करना होती है, तब जाके यहाँ पर आप शेल्टर वगैरह बना सकते हो एंड गाइस आप सर्वाइव कर सकते हो। बेसिकली एक सर्वाइवल गेम होने वाली है, लेकिन गेम का जो ग्राफिक्स है ना वो मुझे काफ़ी तगड़ा लगा एंड आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको इसका ग्राफिक्स कैसा लगा, ठीक है। गेम का साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 5GB गेम का साइज होने वाली है एंड बेसिकली ये एक हाई डिवाइस के लिए गेम होने वाली है। अगर आपके पास 4GB रैम की ऊपर की डिवाइस है तब जाके दोस्तों इस गेम को आराम से डाउनलोड करके खेल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 2GB या फिर 3GB रैम की डिवाइस है तो दोस्तों आप लोग इस गेम को ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर ये गेम चलेगा नहीं। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो गेम है ना प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, अभी तक प्री रजिस्टर पर है, लेकिन इस गेम को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो भाई लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर एक बार चेकआउट जरूर से करना। सो गाइस बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो नंबर 2 पर जो गेम है इसके नाम है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता, ये जो गेम है ना पीसी पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है एंड ये गेम अगर आप मोबाइल पर खेलना चाहते हो तो
मोबाइल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। दोस्तों आपको पता होगा ये जो सारी गेम होती है ना ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होता है, किसी थर्ड पार्टी ऐप से आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एपीके देखने को मिल जाएगा यानी ओपीपी फाइल आपको देखने को मिल जाती है। ये जो एपीके है इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जो ओपीपी फाइल होगा उसको आपको एक्सट्रैक्ट करके जो फाइल मिलेगा उसको एंड्रॉइड ओपीपी पर जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कॉपीराइट इशू आ जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस इस तरीके से अगर आप कर लोगे तो गाइस आपका जो गेम है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको आराम से खेल सकते हो। यहाँ पर देखो एक ओपन वर्ल्ड मैप आपको देखने को मिल जाती है, फाइटिंग कर सकते हो। यहाँ पर जो बॉसेस आएंगे उसके साथ यहाँ पर आप फाइटिंग कर सकते हो। एक स्टोरी मोड आपको देखने को मिल जाएगा, हाई ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट मिशन को आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड गाइस इस गेम का जो साइज होने वाली है थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है आपके लिए, 700 MB गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। तो गाइस ये जो गेम है ना काफी अच्छा है, चाहो तो इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एंड गाइस अगर आपको ये गेम डाउनलोड नहीं हो रहे तो गाइस आप लोग एक और गेम ट्राई कर सकते हो जिसका नेम है स्पाइडरमैन टोटल महिम। ये जो गेम है ना ये भी सेम टू सेम गेम होने वाली है, इसके अंदर भी आपको अच्छा अच्छा ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छे मिशन आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड दोस्तों ये जो गेम है ना आपको 100% डाउनलोड कर पाओगे, एंड इस गेम को मैं खुद खेल चुका हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो स्पाइडरमैन गेम होती है ना ये तो प्ले स्टोर के अंदर होता नहीं है। एंड दोस्तों ये जो गेम है ना थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर डाउनलोड भी नहीं होता है, मतलब हर किसी डिवाइस के अंदर यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको वो गेम नहीं चल रहा तो गाइस यहाँ पर स्पाइडरमैन टोटल महिम जो गेम है इसको भी आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। सो गाइस बात करते हैं नंबर वन गेम के बारे में, तो नंबर वन पर जो गेम हमारे इसके नेम है GTA San Andreas। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानती है, जो GTA सीरीज का सबसे पहला गेम था। मेरे को ये गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड आपको पता होगा ये जो गेम है ना PC पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इस गेम को अगर आप मोबाइल पर खेलना चाहते हो तो गाइस आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। देखो ये जो गेम है ना प्ले स्टोर पर पेड है, सब लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन फ्री में डाउनलोड करना है तो भाई लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। एंड गाइस काफी सारे बंदे को ये दिक्कत आती है कि इस गेम को आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हो, तो भाई देखो यहाँ पर आपको एक एपीके देखने को मिल जाती है यानी ओबीबी फाइल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो एपीके है उसको आपको इंस्टॉल करना है, जो ओबीबी फाइल होगा उसको आपको एक्सट्रैक्ट करके जो फाइल मिलेगा उस फाइल को आपको एंड्रॉइड ओबीबी पर जाके पेस्ट कर देना है। सिंपल सी काम है, आपका जो काम है वो हो चुकी है। आप दोस्तों बिंदास इस गेम को ट्राई कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको काफी अच्छा अच्छा कार देखने को मिल जाएगा, ग्राफिक्स डिसेंट आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन गेम का साइज यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 3 GB गेम का साइज होने वाली है। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। एंड यहाँ पर आपको काफी अच्छा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाती है, काफी अच्छे अच्छे मिशन आपको कंप्लीट करना होगा। एंड गाइस काफी अच्छा एक स्टोरी मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो कमाल की गेम होने वाली है, चाहो तो इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस आई होप कि आज की वीडियो को पसंद आ चुकी है। इस तरीके से वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साइड पे एक बेल बटन है इसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलो यार मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।